ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बेंगलुरु में हुई विपक्षी पार्टियों की मीटिंग के दौरान मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया है। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। महाबैठक के बाद विपक्षी पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में सभी ने बीजेपी और एनडीए पर जमकर हमला बोला। वहीं इस दौरान गठबंधन को कौन लीड करेगा, फेस कौन होगा, इस सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं। मुंबई की बैठक में ये 11 नाम तय होंगे, आगे की जानकारी तभी मिलेगी। प्रेस वार्ता में मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष के विधायकों को बीजेपी में जाने और सरकार गिराने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है या उन्हें रिश्वत जीत दी जा रही है। हमें आपसी मतभेद बुलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। प्रेस वार्ता में खड़गे ने आगे कहा कि इस बैठक में यह तय किया गया है कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होगा। विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी, तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में दलित, हिंदू, मुस्लिम हर किसी की जिंदगी खतरे में है। दिल्ली, बंगाल, मणिपुर हो, सरकार बेचना, सरकार खरीदना, यही काम सरकार का है। हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। बीजेपी, क्या तुम इंडिया को चैलेंज करोगे? प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी, आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोज़गार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। वहीं अंत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत की संस्थाओं पर हमला हो रहा है, हमारी लड़ाई बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ है, ये लड़ाई भारत बनाम बीजेपी है, ये भारत बनाम पीएम मोदी की लड़ाई है, भारत के विचार पर हमला हो रहा है, ये हमला बीजेपी कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अरबपतियों का फायदा हो रहा है जो मोदी के करीबी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है
कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।